फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं हल्दी की सब्जी और उसके साथ ही हम बनाने जाएंगे मोटी रोटी। तो हल्दी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम हल्दी ले लेंगे, जो कि पाउडर नहीं कच्ची हल्दी होती है। इस पिक्चर में आप देख ही सकते हो कच्ची हल्दी कैसी दिखती है। तो इसे हम लेंगे और इसको छील देंगे और गाजर के जैसे ही इसको कद्दूकस करके रख देंगे। इसी के साथ हम प्याज भी कट कर लेंगे, मटर लेंगे और इसमें आधे मटर हमने कूट लिए थे और आधे ऐसे ही छोड़ दिए थे। यहाँ पे मैंने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हो जैसे हल्दी को किया था। और यहाँ पे मैंने बीन्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो वरना रहने दो। और यहाँ जो अदरक ली है उसको भी हमने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसकी वजह मैं बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता ले लिया है जिसको हमने कट करके एक बाउल में ले लिया था, और जो गोभी है उसको कट करके उबाल लिया था वो भी एक बाउल में ले लिया है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी, तो लहसुन आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है और उसको अच्छी तरह से छील के कूट लेना है। फिर यहाँ पे ली गई है हरी मिर्च, मीठे नीम के पत्ते या फिर जिसे हम बोलते हैं करी पत्ते वो, और कट किए हुए टमाटर। फिर यहाँ पे मैंने जो घर में बना हुआ ताज़ा दही है उसका इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो पैकेट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे घर पे बनाया गया था तो उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर हम एक कढ़ाई में घी ले लेंगे, यहाँ पे देसी घी तो था नहीं इसीलिए मुझे पैकेट वाला घी इस्तेमाल करना पड़ा, आप चाहो तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है और आप देख ही सकते हो कि घी हमारा गर्म होते होते पिघल रहा है। यहाँ पे हम जो सब्ज़ी है वो पूरा घी के अंदर ही बनाने वाले हैं, यहाँ पे तेल या फिर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब ये घी गर्म हो जाए या फिर पूरा घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें हम डालेंगे कद्दूकस की हुई हल्दी। फील तो बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे यहाँ पे हल्दी ना हो के गाजर का हलवा बन रहा हो, पर याद रखिएगा ये गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं है, ये हल्दी की सब्ज़ी है। तो हम अच्छी तरह से इसको हल्दी को अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि हल्दी की सब्ज़ी जो है वो मैं नहीं, मेरी पूजनीय माता श्री बना रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता, मुझे बनाना बिल्कुल आता है, पर यह है कि ज़्यादा बन रही है ना तो इसीलिए मम्मी ने ही बनाना सही समझा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मम्मी जो है वो लगातार चलाती जा रही है हल्दी को, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हल्दी जो है वो नीचे कढ़ाई में ज़्यादा चिपके ना, वरना गैस की फ्लेम हाई होने पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी आपके कढ़ाई में ही नज़र आती है। थोड़े देर तक आपको ऐसे ही गैस फ्लेम को लो हाई करके ऐसे हल्दी को पका देना है और इसी तरह से चलाते रहना है। और जब ये हल्दी आपको इस तरह मतलब दिखने लगे कि हाँ पक चुकी है तो इसको हम एक प्लेट के अंदर बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो हल्दी से भरी हुई प्लेट है वो हल्दी के पकने के बाद आधी प्लेट हो जाती है। अभी इस प्लेट को रखते हैं साइड में और आगे का प्रोसेस देखते हैं। अभी उसी कढ़ाई में हमने और घी ले लिया है, हमने नहीं मम्मी ने लिया है, उसी कढ़ाई का इस्तेमाल हुआ है और तेल नहीं घी का इस्तेमाल किया है। और तड़के के लिए जैसे हम इस्तेमाल करते ही हैं राई और जीरा, उसी का तड़का लगाते हैं। तो राई ले लिया है, फिर हमने लिया है यहाँ पे जीरा और उसको भी घी के अंदर डाल दिया है। फिर जब ये गर्म हो जाए और चटकने लग जाए तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दिया है, उसी के साथ कूटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे और इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक लहसुन का कच्चापन ना चला जाए तब तक आपको इसको इसी तरह से अच्छी तरह से चलाते रहना है। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाना है, वो भी मतलब गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे कर लीजिएगा और उसके बाद में चलाइएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि लहसुन को जलाना नहीं है या फिर ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा जब तक खुशबू ना आ जाए उसके अंदर से तब तक चलाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो सारी सब्जियाँ हैं, यहाँ पर मम्मी का तरीका है तो एक साथ ही डाली है ताकि जो सब्ज़ी है वो झटपट बनके तैयार हो जाए और किसी को ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए सभी एक साथ डाल दिए। आप चाहो तो सब्जियाँ एक एक करके भी डाल सकते हो, जैसे कि पहले प्याज डाल दिया, फिर मटर डाल दिया, फिर गाजर, पर इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक साथ डालो तो सब्ज़ी जो है वो कच्ची ना रहे और अच्छी तरह से आपको चलाते हुए इसको पका देना है। सारी सब्जियां आप एक साथ डालो चलता है, पर जो टमाटर होते हैं वो लास्ट में ही इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि ये जो है वो जल्दी से पक जाते हैं और पेस्ट जैसे बन जाता है, इसीलिए इसको लास्ट में ही इंक्लूड कीजिएगा। और आपको जैसे कि याद ही होगा हमने गोभी को भी उबाला था तो वो भी हम लास्ट में इंक्लूड करेंगे। अगर आप गोभी नहीं उबाल रहे हो तो पहले इंक्लूड कीजिएगा, और अगर ऐसे उबाल देते हो तो लास्ट में इंक्लूड कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्या बोलते हैं पेस्ट के जैसे ना बने।
तो लगभग जो भी सब्जियां हल्दी की सब्जी में आते हैं वो हमने ले लिया है। तो अभी हम मसाला डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर जैसे कि मम्मी डाल रही है क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद में यहाँ पे मम्मी ने डाला है धनिया का पाउडर, इसके साथ ही नमक डाल दिया है। ज़्यादा मसाला कुछ नहीं लगता है, गरम मसाला वसाला सब आप चाहे तो डालो, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो हमारे मेन जो मसाले होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, हरी मिर्च हो गया, नमक हो गया, वो आपको अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी देख के डाल देना है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, हल्दी की सब्ज़ी बन रही है तो आपको हल्दी का पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हल्दी की सब्ज़ी में हल्दी डल रही है तो उसी से कलर आ जाता है, तो इसीलिए आपको हल्दी का जो पाउडर होता है वो डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे आपको दूसरे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया या फिर नमक हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हल्दी का जो कलर है वो हल्दी दे ही देती है, तो बाकी का जो कलर है वो लाल मिर्च के पाउडर से ही आता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लास्ट में जो है वो हमारे धनिया पत्ता जो हमने कट कर लिए थे वो भी डाल देते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अदरक की पीसेस जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े पीसेस में, वो इसलिए बड़े बड़े स्लाइसेस में कट करने हैं ताकि हम जब हल्दी की सब्ज़ी खाएं तो उसका टेस्ट जो है वो अदरक के वजह से बिगड़ ना जाए। अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही जो ताज़ा घर पे बनाया था वो। आप चाहो तो पैकेट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस घर का जो है वो स्वाद अलग रहता है, इसलिए मम्मी जो बनाती है वही इस्तेमाल करती है। तो दही डाल दीजिएगा और फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। आपको गैस की फ्लेम को फिर लो कर देना है ताकि हल्दी की सब्ज़ी नीचे से चिपके ना, और ढक देख के इसको 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ही गरम कर देना है। फिर नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक का क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए या फिर स्वाद के अनुसार आपको नमक को एडजस्ट कर लेना है। मम्मी को फीका लगा था इसलिए मम्मी ने एडजस्ट कर लिया है, फिर मिक्स कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से 5-10 मिनट तक तो सब्ज़ी को ढक के पकाना है, फिर उस ढक्कन को हटा दीजिएगा और नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा, और फिर वापस अच्छी तरह से चलाएगा जब तक ये जो सारी सब्जियां है वो पक ना जाए। और एक बार जब सारी सब्जियां पक जाएगी तो हमारी हल्दी की सब्जी जो है वो बन के हो जाती है तैयार। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि मम्मी की हल्दी की सब्ज़ी जो है वो ऐसे बन के हो गई है तैयार। अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस की ओर, जो है मोटी रोटी बनाना। इसके लिए हमने बड़ी लोई ली है, उसके चारों ओर अभी हम सूखा आटा जो है वो लगा लेते हैं और इस तरह से रोल कर देंगे ताकि सूखा आटा चारों ओर लग जाए। फिर उस लोई को हमने चकले के ऊपर रख दिया है और उसको प्रेस कर दिया था, और मैंने वापस उसको चारों ओर से प्रेस किया ताकि ये थोड़ा पतला बन जाए ताकि हमें बेलने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने एक बेलन लिया है, और जैसे हम रोटी को बेलते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें इसे भी बेलना है। बस ये है कि वो रोटी थोड़ी पतली होती है और ये थोड़ी मोटी है, क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी में हम मोटी रोटी खाते हैं इसलिए हमने मोटी रोटी बनाई है। पर यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप भी मोटी रोटी बनाओ, आप नॉर्मल पतली रोटी के साथ भी हल्दी की सब्ज़ी को खा सकते हो। यहाँ पे हमारा खाने पीने का तरीका थोड़ा अलग है राजस्थानियों का, तो इसीलिए हम मोटी रोटी ही प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे रोटी बनने के बाद तवा भी हो चुका था गरम, तो उसके ऊपर हमने रख दिया है मोटी रोटी को, और गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमी रखेंगे, और इसको भी जैसे पतली रोटी पकाते हैं उसी तरह से पकाना है। बस यहाँ पे टेक्निक होता है कि जो गैस की फ्लेम है उसको हम धीमे और तेज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रोटी कैसे पकती है। और आपको थोड़ी थोड़ी देर में इस रोटी को ऐसे पलट देना है ताकि आपको पता चले कि चारों ओर से हमारी रोटी जो है वो पक रही है। और यहाँ पे जब ये थोड़ा पक जाए तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से रोटी के अंदर छेद किया है, या फिर उसको मतलब थोड़ा पिंच करना पड़ता है ताकि अंदर तक हमारी रोटी पक जाए। आप चाहे तो करें, वरना यहाँ पे ज़रूरी लगता है करना, क्योंकि कभी कभी ना जो रोटी होती है वो अंदर से कच्ची हो जाती है, तो इसीलिए ये करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पीछे से भी रोटी पक जाती है और जब हम घुमाते हैं तो तब भी रोटी पक जाती है। तो इस मोड पे जब आती है रोटी तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और दूसरी तरफ बिना तवे के ऊपर रखे सिर्फ गैस की फ्लेम पर हम इस रोटी को वापस पकाएंगे ताकि इंश्योर हो सके कि जो रोटी है वो चारों तरफ से पक जाए और अच्छी तरह से सिक जाए। और बस यहाँ तक था हमारा हल्दी और रोटी का सफ़र। तो यहाँ पे आप जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हैं हमारी हल्दी की सब्ज़ी कैसी दिख रही है। जो अंदर है वो घी है, तो इसीलिए आपको मोटी रोटी के ऊपर घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।